व्यक्ति के रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी, 241 सीटों पर आगे है, बढ़त बना ली है। काफी पीछे छूट गई है समाजवादी पार्टी, 142 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, 394 सीटों पर रुझान आए हैं, 241 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। अवधेश बिल्कुल प्राची, टैली देखिए आप, भाजपा में 241 और उधर से 241 सपा की टैली में फर्क है। और देखिए उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर रुझान भाजपा बहुमत से काफी आगे यहां पर भी निकल चुकी है, 47 सीटों पर रुझान में आगे है। और अब तक के रुझान में भाजपा 47 सीटों के साथ यहां पर भी सरकार बनाने जा रही है, बनाती दिख रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 242 पर आंकड़ा पहुंच चुका है, तो दोनों ही राज्यों में स्थिति रुझानों में स्पष्ट हो चुकी है दीपा। और भाजपा के लिए देखिए दोनों ही राज्यों से बहुत अच्छी खबर है। और 2017 का आंकड़ा आपको याद होगा, उत्तराखंड का 57 सीट बीजेपी लेकर के गई थी और 47 इस बार है, 10 का अंतर रह गया है 17 से 22 आते आते। लेकिन ये भी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हैं, खुशखबरी है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर बंपर वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को और निराशा हाथ लगी है साइकिल को। देखिए उत्तराखंड 70 की 70 सीटों में क्या स्थिति, 47 पर भाजपा है, कांग्रेस 19, जो सपना देखा था वो टूट गया कांग्रेस का, आपका खाता नहीं खुला। अन्य को 4 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन 47 सीटों के साथ भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी जो लगातार तार ठोकने की बात कर रही थी, खाता भी नहीं खोल पा रही है। 22 पर भारतीय जनता पार्टी।